नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्ट टेक की कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, डेटा ट्रैवल करने के लिए हम आजकल पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। किंगस्टन सैंडिस्क, काफ़ी सारे ब्रांड की पेन ड्राइव आज की डेट में अवेलेबल है, बट वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। अगर आपका उसमें कुछ भी कंटेंट है और वो कंटेंट आपका पर्सनल है, आप नहीं चाहते कि कोई भी आपकी पेन ड्राइव को प्लग करे और आपके कंटेंट को देख ले, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। और अगर ये ट्रिक आपको कभी भी काम आने वाली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्रिक्स मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो किस तरह से एक पेन ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना देर करे हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस टास्क के लिए सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव को सिस्टम में प्लग कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्केचेस, ये भी मैंने बनाए हुए हैं स्केचेस, इन स्केचेस को मैं स्टोर करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडी। तो इस वाले फोल्डर को मैं सबसे पहले तो ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपनी पेन ड्राइव में। तो इसके लिए मैंने सेंड टू किया और सेंड टू हक इन क्रेज, जो कि मेरी पेन ड्राइव का नेम है, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रांसफ़र हो चुका है पिक्स हक इन क्रेज में। अब क्या करना है कि इस कंप्यूटर पर जाइए, दिस पीसी पर हक इन क्रेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिख रहा है टर्न ऑन बिट लॉकर, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा बिट लॉकर ओपन करने के लिए, क्योंकि ये इनक्रिप्शन अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। और उसके बाद लिख रहा है यूज पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव, तो इस पर क्लिक कीजिए और पासवर्ड टाइप कर दीजिए कुछ भी। यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसी पासवर्ड को री एंटर कर दिया है और नेक्स्ट पर क्लिक किया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसने बोला है सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव टू अ फाइल, प्रिंट और रिकवरी की। तो मैं एक फाइल इसकी सेव कर लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है और इसको मैंने सेव कर लिया है। इनक्रिप्ट यूज्ड डिस्क स्पेस फास्टर, नेक्स्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट इनक्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आइकन बनाने लगा पेन ड्राइव के ऊपर एक ताला। अब पेन ड्राइव को मैंने देखिए रिमूव किया है, और रिमूव करने के बाद मैं पिन ड्राइव को दोबारा से रीइंसर्ट करता हूँ, तब भी बोल रहा है कि जी इज नॉट एक्सेसेबल, एक्सेस इज डिनाइड, ठीक है। अब इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसे ओपन करना होगा। अब देखिए, ओपन तो हो नहीं रहा। तो फाइनली अनलॉक ड्राइव, अनलॉक के लिए पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमको पहले ही पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद मैंने इसको अनलॉक किया। फाइनली अनलॉक करने के बाद मेरे को मेरे स्केचेस ये यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं सारे, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर इसने सारा का सारा बताया है कि भाई हमारी क्या इनक्रिप्शन है, क्या डिक्रिप्शन है और क्या की है। रिकवरी की भी इसने दी है, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रिकवरी की से और आइडेंटिफायर से अपने पेन ड्राइव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। I hope guys this video is very beneficial for you, and if you like this video then please hit on the thumbs up button. You can share this video with your friends and family members who want a protected pen drive. और subscribe के लिए तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको यह videos और हमारी video series, हमारी tricks trips आपको पसंद आ रहे हैं तो please इस channel को subscribe करना ना भूलें। और अगर आपको कोई नई trick चाहिए, tips चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।